नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपीए न्यूज। देश का सच दिखाते हैं हम। कनवास ग्राम पंचायत और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के बीच सड़क से लगते कालबेलिया बैरवा बस्ती चारागाह भूमि पर वर्षों से बनी हुई है, जिससे लाखों रुपयों की लागत से विधायक सांगोद भरत सिंह जी द्वारा गौरव पथ बनवाया गया, जिसका लोकार्पण विधायक महोदय द्वारा 2 अक्टूबर को किया जाना है। गुरुवार को उपखंड अधिकारी राजेश डागा द्वारा ग्राम कनवास के इस गौरव पथ का मौका निरीक्षण किया गया। तत्सम डागा द्वारा गौरव पथ के समीप खाली जमीन के संबंध में पूछताछ की गई, क्योंकि उस भूमि पर बंबूल उगे हुए और पत्थर डाल रखे थे। ग्रामीणों ने बताया कि ये भूमि सरकारी है। तब उपखंड अधिकारी द्वारा पटवारी को बुलाकर उसके स्वामित्व के बारे में पूछताछ की गई, तो पता चला यह भूमि खसरा नंबर 2096 चारागाह दर्ज है। उक्त भूमि पर कुछ चारदीवारी, कुछ पत्थरों और कुछ बबूल से अतिक्रमण किया गया था। अतिक्रमण प्रभावशाली जनप्रतिनिधियों का होना जानकारी में आया। तब डागा ने सरपंच कनवास को बुलाकर अतिक्रमण हटाने की मुनादी करवाई। शुक्रवार शाम को 5 बजे 2 JCB मंगवाकर अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई शुरू की गई। नायब तहसीलदार सुरेंद्र शर्मा, सरपंच रीना खटीक की उपस्थिति में लगभग 4.5 बीघा 80-90 लाख कीमतन भूमि से अतिक्रमण हटाते समय कुछ अतिक्रमी मौके पर भी आए और पुराने अतिक्रमण की दुहाई देकर अतिक्रमण न हटाने की गुहार लगाई, परंतु उपखंड अधिकारी ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई रोकने से इनकार कर दिया और अतिक्रमियों को उनके पत्थर ले जाने की अनुमति दी। ग्राम कनवास में उपखंड अधिकारी को पाक की कमी होने के संबंध में काफी लोगों ने बता रखा था। पाक के लिए भूमि तलाश की जा रही थी। आज जब यह कार्रवाई की जा रही थी, तब इस जगह पुनः अतिक्रमण न हो और लोगों की पाक की कमी भी दूर हो सके, उपखंड अधिकारी ने इस हटाए गए अतिक्रमणों के स्थान पर पाक बनाने के लिए स्थानीय विधायक महोदय को निवेदन किया। इससे वहां उपस्थित विशेषकर बुजुर्ग बहुत प्रभावित हुए और अत्यंत हर्ष व्यक्त किया। उपस्थित ग्रामीणों ने बताया कि कनवास में कोई भी पाक की सुविधा नहीं है। यदि इसको पाक हेतु दे दिया जावे तो ग्रामीणों का पाक में घूमने का सपना साकार हो सकता है और निवेदन किया कि 2 अक्टूबर को गौरव पथ का उद्घाटन श्रीमान विधायक किया जावे, तो तब हमें पाक रूप में दे दी जावे।